दिनांक 9 जून लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच मालवानी गेट नंबर 8 पट्टा रोड पर बड़ा हादसा हुआ। सूत्रों के अनुसार चार मंजिला इमारत गिरी। चार मंजिला इमारत सामने वाले डबल वाले पर गिरी। बताया जा रहा है कि 7 से 8 परिवार इसकी जद में आ गए हैं। इसे 7 लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया गया है और 15 से 20 लोग दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू का काम जारी है। मौका वारदात पर पालक मंत्री श्री असलम शेख मौजूद थे, उन्होंने वहां का जायजा लिया। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की यह रिपोर्ट। और जिसमें करीब 4 फैमिली इधर पे और 3 फैमिली इधर पे, टोटल 7 फैमिली थी। और उसमें से कुछ लोगों को, अभी 5 लोगों को निकाला गया, जिनमें से भी बहुत सारे हैं जो निकले नहीं है और अभी बाकी है, और कितने है ये अभी कन्फर्म नहीं है। आपका नाम बता, आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ, मेरा नाम शाहनवाज खान है, मेरा ये पीछे का 14 मालूम है। क्या लगता है, इधर की 3 फैमिली थी, इधर की 4 फैमिली थी, कितने लोग दबे होंगे और कितने लोग ले गए हैं, क्या है? मेरे हिसाब से जो अभी 5 लोग निकले हैं तो काफ़ी लोग, अभी कम से कम 8 से 10 लोग तो होने चाहिए नीचे। और अगर उनमें से नहीं हुआ तो अच्छी बात नहीं जा रही है। अगर कोई बाहर हुए या जॉब पे हुए तो वो अलग बात है, बाकी घर में रहने वाले तो नहीं है। बाकी अगर कोई बाहर होगा तो अच्छी बात है, जितने लोग नहीं जाते। आपने शुक्रिया, जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी मतलब 8 से 10 लोग मंदिर में दबे हुए हैं। रेस्क्यू का काम जारी है, अभी देखना है आगे चल के मालूम और हासिल होगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। मैं कैमरा मैन शोएब के साथ दिशा राखी, खबर फेस टू फेस। ये कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या हादसा हुआ, कितने लोग दबे हुए, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मरे? फ्लैट नंबर 73 है, ये 4 माले का रूम था, हादसे से गिर गया और लेके सामने वाले का भी, अपोजिट वाले का लेके गिर गया, समझे? इसमें 6 घर दब गए, इसमें कम से कम 20 से 25 लोग है अंदर दबे हुए हैं, अभी तक निकले नहीं है। निकालने की कोशिश चालू है, जारी है, वही कर रहे हैं काम। कितने माले का रूम था? 4 माले का रूम था, ये साइड पे। हाँ, ये साइड से इधर गिरा, अपोजिट में गिर गया। अपोजिट में जो गिरा वो कितने माले में गिर गया? सामने वाले का भी लेके गिर गया। तो अभी कितने लोगों को लेके गए? अभी कम से कम 10-15 लोग फंसे हुए अंदर जमा है। लेके कितने जन को गए? ले अभी 3 लोगों को लेके गए। 3 लोगों को लेके गए। आपका नाम? मेरा नाम मकसूद अहमद है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो हादसा हुआ, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी देना चाहिए? कृष्णा, मैं यहाँ पर देखी हूँ कि यहाँ पे इतना साल हो गया झोपड़पट्टी बसने में, जो कलेक्टर बोला जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को जो जरूरत है वो तो दी नहीं गई। 3-3, 4-4 माले का ये ऑर्डर कलेक्टर की तरफ। ये पहला हादसा है कि पहले भी हो चुका है? हमारे तालुक में फिलहाल पहले ही हादसा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि शासन से जब हम लोग इस तरीके से लोगों को परमिशन देते हैं, उसकी जानकारी उसको वहाँ पे तब पहुँचते क्यों नहीं? आज ये हादसा जो भी हो, ये शासन की कितने लोग जख्मी और कितने लोग को लेकर आए? टोटल 6 लोगों को, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जख्मी हैं। कितने लोग जख्मी हुए यहाँ पर? जब से आए, जब से देख रहे, जख्मी है और गिरा है जो, तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, हर लोगों को तकलीफ हो रही है। इतना माला बनाने के लिए निकालना पड़ेगा, करना चाहिए, वो तहकीकात नहीं करते, रोड नहीं बनता है, यहाँ इतनी गंदगी है, ये सब बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और 4-4 माले का बना दे, उसको आकर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बारिश आई है, हिल रहा है, वो खाली कर देना चाहिए, वो भी नहीं होता है। जब सामने वाले ने देखा कि ये हिल रहा है, गिर गए, तो सब चिल्लाने लगे। बच्चे भी, एक बच्चा भी 3 महीने का मर गया, प्रेग्नेंट औरत है उसमें, और अभी 2-3 एम्बुलेंस गई है, सीरियस लोग गए। हम लोगों को बहुत कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो अभी आई हूँ, अभी देखती हूँ। मैंने सुना कि 3 महीने का ही बच्चा था, वो प्रेग्नेंट ले ली थी, अभी हम लोग यहाँ पे अभी मालूम पड़ेगा, तो मालूम पड़ेगी आपको। ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी भी जल्द से जल्द छानबीन करके उनके परिवार को निकाला जाए, वहाँ के जो भी लोग हैं आसपास के उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो इससे बड़ा और कोई हादसा हो जाएगा यहाँ पर। मेरी यही विनंती है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सर। सुबह हो जाएगा।
एक फावड़ा मारने बोलो, पब्लिक को हटाने बोलो, तो गई उनका नुकसान हुआ वो अलग, नुकसान तो चलो घर पर ही हो जाएगा लेकिन जान कहाँ से आएगी? सही बात है ना, सब कुछ आ जाएगा लेकिन जान नहीं आएगी। असलम से गए ना, चलो रास्ता खाली करो।
दर्शकों, अगर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल में देना है तो आप आखिर में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना, यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेकदिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेकदिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना, यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेकदिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेकदिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।